हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 के कंटेस्टेंट ऋषि सिंह की परफॉर्मेंस को देखने के बाद आखिर क्यों इमोशनल हुए आदित्य नारायण? याद आया उन्हें अपने पापा का सबसे प्यारा सपना जो कि अधूरा रह गया। क्या है पूरी खबर और क्या बोला आदित्य ने, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली एक्सप्रेस की। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, इंडियन आइडल सीजन 13 10 सितंबर से आपकी टीवी स्क्रीन्स पर आएगा, लेकिन इस शो के कई सारे एपिसोड्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं और ऐसे में कंटेस्टेंट ऋषि सिंह जो कि अयोध्या से आए हैं, जो राम जन्मभूमि से आए हैं, राम लल्ला के घर से आए हैं, उनकी परफॉर्मेंस को देखकर आदित्य नारायण काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। जहां पर जजेस तो इनकी परफॉर्मेंस को देखकर उछल गए और तीनों ने इच्छा जाहिर की अयोध्या जाने की, तो वहीं आदित्य नारायण ने भी बताया कि उनके पापा उदित नारायण भी काफी समय से अयोध्या जाना चाहते हैं, राम लल्ला के दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक राम लल्ला के यहाँ से बुलावा नहीं आया। जब तक वहाँ से बुलावा नहीं आता तब तक कोई भी नहीं जाता राम लल्ला के घर। और ऐसे में ऋषि को ये बताते हुए आदित्य नारायण काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और ऐसे में ऋषि ने बोला कि आप जरूर आइएगा अयोध्या, वहाँ की हर दीवार पर, कण कण पर श्री राम का वास है और राम को सबसे ज्यादा पूजा जाता है वहाँ पर, राम जी सबके दिल में बसते हैं। वेल दोस्तों, जैसे ही ये सुना आदित्य ने, आदित्य भावुक हो उठे। आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स में आप लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।